जय जगन्नाथ बंधुगण, आज एक सुंदर विषय वस्तु उपरे आमे आलोचना करिबा। आजर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा दीपावली दिन केउं केउं जगारे दीप प्रज्वलन करिबा, प्रकृत रे शास्त्र रे कौन रहिछि एहार प्रमाण, केउं जगारे केतोटी दीप जळैबा जहा द्वारा कि दीपावली रो पुण्यफल आमको प्राप्ति हेबो, ता सहित माँ लक्ष्मीकर कृपा आमको प्राप्ति होइथाय एवं आपणकर आर्थिक समस्या दूर होइथाय। बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक अछि, आपणको निवेदन करबी आपणकर फायदा पई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं भक्तिर सहकारी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, कार्तिक मासर अमावास्या तिथि रे बा दीपावली अमावास्या तिथि रो गुरुत्व एवं महत्व विशेष भावरे रही अछि। कार्तिक अमावास्या को दीपावली अमावास्या मध्य कहा जाय थाए। दीपावली रो अर्थ दीप आवली अर्थात दीपमाला बा दीप समूह को दान करिबा, एणु एही दीपावली रे दीपदान करिबार विशेष महत्व रही अछि। दीपावली अमावास्या रे केउ केउ स्थान रे आमे दीपदान करिबा, शास्त्र कहंती दीपावली दिन प्रथम दीपदान भगवान सूर्य नारायण को करिबा उचित, द्वितीय दीपदान घरे थिबा देव मंदिर रे करिबा, भगवान श्री हरि को उद्देश्य रे गृह मंदिर रे थिबा समस्त देवादेवी को उद्देश्य रे आमे दीप समर्पण करिबा, चेष्टा करिबा कि आम देव मंदिर रे आठटी दीप लगेबा पाई, आठटी दीप अष्ट सिद्धि प्राप्ति पई लगेबा निहाति जरूरी, तेणु आपण चेष्टा करंतु आपणकर देव मंदिर रे आठटी दीप लगेबा पाई। तृतीय दीपदान माता वृंदावती पाखरे प्रज्वलन करिबा, शास्त्र कहते तृतीय दीपदान माता वृंदावती पाखरे समर्पण करिबा उचित, चतुर्थ दीपदान अँला वृक्ष पाखरे करिबा उचित। कार्तिक मासरे समस्त देवादेवी सहित प्रभु नारायण अँला गछरे बास करती, एणु कार्तिक अमावास्या दिन बा दीपावली दिन चतुर्थ दीप अँला वृक्ष पाखरे लगेबा उचित। पंचम दीपदान अश्वतत् बा बटवृक्ष मूळरे देबा उचित, अश्वतत् वृक्षरे समस्त देवादेवी निवास करिथांती, विशेष भावरे अश्वतत् वृक्ष हेउछि भगवान श्रीहरिंक स्वरूप, एणु पंचम दीपदान आमे बटवृक्ष बा अश्वतत् वृक्ष मूळरे देबा। षष्ठ दीप आमे गोगष्ठरे देबा उचित, गोगष्ठ कहिले आमर गोरु गाई माने रहुथिबा घर बा जहाकु आमे कहुजे गुहाळ, जदि आपणकर गुहाळ नाही तेबे आपणकर घर पाखरे जदि गुहाळ थिप बा अन्य कहार गोगष्ठरे आपण दीपदान करिपारिबे। सप्तम स्थान हेउछि आमर सेइ घर, माता लक्ष्मी माता अन्नपूर्णाक अति प्रिय अटे, एणु आमे सबुबेळे रोसेइ घरकु परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। एहि दीपावली अमावास्या दिन गोटिए दीप प्रज्वलन निश्चित करिबा उचित, तेणु सप्तम स्थान हेउछि आमर रोसेइ घर, अष्टम स्थान हेउछि शिवालय अर्थात महादेवंक मंदिर रे एहि दीपावली दिन बा कार्तिक अमावास्या दिन निश्चय गोटिए दीप दान करिबा शास्त्र कहन्ति। अष्टम स्थान हेउछि शिवालय, नवम स्थान हेउछि चतुष्पद अर्थात चारि दिगकु बाट थिबा स्थान बा जहाकु आमे कहुचे चौछक बा चारि छक, शास्त्र कहन्ति चौछकरे दीपदान करिबा उचित। आपणकर पाखापाखि जदि चौछक नाही बा चारि छक नाही त आपण गोटे खोला स्थान रे धळा मुर्जरे गोटे क्रस चिन्ह बनै देबे एवं सेही क्रस चिन्ह उपरे दीप प्रज्वलन करिबे। दशम दीप हेउछि पितृपुरुषंक उद्देश्य रे अर्थात आपणकर पितृपुरुषंक उद्देश्य रे निहाती अमावास्या दिन दीपटिए प्रज्वलन करिबा उचित। बंधुगण, एही दशटी स्थान रे दीपावली दिन निहाती दीपदान करिबा उचित, कारण कार्तिक अमावास्या हेउछि एक मूल्यवान एक दुर्लभ रात्रि, एही दिनक मध्य आम शास्त्र शुभ रात्रि बोली
कहते शास्त्र कहते एही दीपावली अमावास्या दिन माँ लक्ष्मी निद्रा भंग करिथांती एणु माता प्रसन्न करने एही दिन एही दसटी जगार दीप प्रज्वलन करने उचित बा दीपदान करने निहाती जरूरी अटे। बंधुगण एहा थिला दीपावली दिन केउ जगार आमे दीप प्रज्वलन करिबा एबे आसंतु जानिबा आमे केमिति दीप प्रज्वलन करिबा कौन रही शास्त्र रे दीप प्रज्वलन करिबार विधि। प्रथम कथा हेला कि आमे जेउ दीप प्रज्वलन करिबा ताहा शुद्ध होइथिबा दरकार। आपण आपणकर देव मंदिर रे माता वृंदावती को रवि नारायण को देवादिदेव महादेव को जदि आपण पीतल दीप समर्पण करने चाहती ताहले सही दीप को भल भाव सफा कर शुद्ध करदे आपणे गुड़े पीतल दीप क्रय करने समर्थ ना ताहले आपण माटीर दीप प्रज्वलन करें। मन रखा दरकार कि आमे नुआ दीपर प्रज्वलन करवा कहीं माटीर दीप थरे जल्ला ताहा उद्दिष्ट हो जाए तेणु पुनर्बार से ही दीप आउ पूजा कार्य लगे ना। तेणु प्रथम कथा हेला कि आमे जो दीप प्रज्वलन करवा से ही दीप शुद्ध होइथिबा दरकार। दुई नंबर कथा मन रखंतु जेतेबेले आपण दीप प्रज्वलन करिबे दीप को केबे भी तले रखिबे नाही। समस्त दीप को कौनसी पत्र पुष्प धान उपरे आपण स्थापन करिबे। तीन नंबर कथा हेउछि गोटिए दीप प्रज्वलन कर सारिबा परे आपण हाथ धोई आउ गोटिए दीप प्रज्वलन करिबे। चतुर्थ नंबर कथा हेउछि जेउ दीप आमे प्रज्वलन करिबा भगवान कर केउं पाखरे रखिबा। शास्त्र कहते जदि आपण भगवान को घिअर दीप समर्पण करिबे ताहले घिअर दीप को भगवान कर डाहाण पटे एवं तैल दीप को भगवान कर बाम पटे रखिबे। पंचम कथा हेला कि आमे जेतेबेले दीपावली अमावास्या रे दीप प्रज्वलन करिबा दीपर मुह केउं दिगरे रखिबा। शास्त्र कहते दीपर मुह पूर्व दिगकु रखिले आयु वृद्धि होइथाय उत्तर मुहा कले धन प्राप्ति होइथाय। तेणु आपण जेतेबेले दीप प्रज्वलन करिबे दीपदान करिबे दीपर मुह सर्वदा पूर्व किंबा उत्तरकु रखिबे। षष्ठ कथा हेला दीपरे आपण केउं प्रकारर बळिता देबे तुळा बळिता देबे ना कपड़ा बळिता देबे। शास्त्र कहते कपा बळिता बा तुळा बळिता दीपरे देबा उचित। सप्तम कथा हेउछि केतोटी बळिता देबा। शास्त्र कहते चेष्टा करंतु प्रत्येक दीपरे दुईटी बळिता देबा पई। जदि आपण तैल दीप देउछंती ताहाले तैल दीपरे नाली रंगर बळिता देबे। जदि आपण घिअर दीप प्रज्वलन करुछंती ताहाले सेथिरे धळा रंगर बळिता देबे। तेबे बंधुगण एही दीपावली दिन आपण एही समस्त जगार दीप प्रज्वलन करंतु देखिबे आपणको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद निश्चित प्राप्ति हेबो एवं आपणकर समस्त समस्या दूर होइजिबो एवं आपणको दीपावलीर पुण्य फल प्राप्ति हेबो। तेबे आपणको जदि एही भिडियोटी भल लगे ताहाले कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। धन्यवाद।